ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सेल्फ डेवलपमेंट कोच रायन ट्रेसी कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं, और अगर आप इस पे काम करने के लिए तैयार हैं तो बहुत ही जल्द आप अपनी लाइफ के हर एक पार्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग अपनी लाइफ में अक्सर ऐसे किसी न किसी पर्सन से जरूर मिलते हैं जो दिखने में भी अच्छा होता है, उसकी पर्सनैलिटी भी काफी डिसेंट होती है, लेकिन जैसे ही वो हमसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे उसके बारे में अब तक आपके दिमाग में जो उसकी इमेज बनी थी वो बेकार होने लगती है, क्योंकि उसने अपनी बाकी चीजों पे तो काम किया लेकिन लोगों से एक अच्छी कॉन्वर्सेशन कैसे करी जाती है उसने कभी ये सीखा ही नहीं। बल्कि कई बार तो हम में से अधिकतर लोग भी कुछ सिचुएशन या लोगों के साथ बात करते करते बीच में रुक जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि आगे क्या बात करें, या फिर वो कॉन्वर्सेशन उतनी अच्छी नहीं होती जितनी हम चाहते थे, जिसकी वजह से बाद में फिर हमें अफसोस और पछतावा होता है। अब चाहे हमें अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा देना हो, किसी इंटरव्यू में जाना हो, कहीं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना हो, लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी हो, डेट पे जाना हो या किसी ग्रुप कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनना हो, अगर हमारी कॉन्वर्सेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं होंगी तो लाइफ में अधिकतर निराशा ही हमारे हाथ लगेगी। लेकिन वहीं अगर आपको कॉन्वर्सेशन की ये आर्ट आती है तो अधिकतर जगह पे आपको सक्सेस ही मिलेगी बिकॉज ऑफ योर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसीलिए आज हम आपके साथ ऐसी 7 प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन स्किल्स की टिप शेयर करेंगे जिसे आप अपनी डेली लाइफ में बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। सो नंबर 1, बी एफिशिएंट। दोस्तों, सेल्स वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट है किस वर्सेस स्किल का। अब किस का मतलब आप गलत मत समझ लेना, यह किस का मतलब कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल है, और किल का कीपिंग इट लॉन्ग एंड लेंथी। ज्यादातर सेल्समैन अपने कस्टमर्स को जरूरत से ज्यादा ही डिटेल्स देने लगते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिससे वो अपनी सेलिंग में फेल हो जाते हैं। वहीं अच्छे सेल्समैन किस अप्रोच का यूज करके अपनी बात को छोटा और सिंपल रखते हैं, जिससे ज्यादातर कस्टमर्स उन्हें अच्छे से समझ पाते हैं और उनकी बातों से रिलेट करके अग्री भी करते हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपको अपनी डेली लाइफ में भी यूज करना चाहिए, जहां आप जब भी किसी से बात करो तो अपनी बात को शॉर्ट यानी छोटा और सिंपल रखो। बहुत ज्यादा डिटेल्स में मत जाओ और ना ही कुछ एक्स्ट्रा बोलो, बस उतना ही बात करो जितनी जरूरत है। कुछ लोगों को लगता है कि वो जितना ज्यादा और डिटेल में बोलेंगे वो कॉन्वर्सेशन में उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और नॉलेजेबल लगेंगे, बल्कि इसका उल्टा होता है। तो कॉन्वर्सेशन में बातों को खींचने की जगह सिंपल और शॉर्ट रखो, सामने वाले पर्सन से डिफरेंट क्वेश्चंस करो, ना कि खुद ही एक ही टॉपिक को हद से ज्यादा खींचो। आपको कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है, इरिटेटिंग नहीं। मेक अदर्स फील इम्पोर्टेंट। किसी से भी बात करते टाइम ये याद रखो कि आप जिस इंसान से बात कर रहे हो वो भी उस कॉन्वर्सेशन में बराबर का भागीदार है, तो उसे इम्पोर्टेंट फील कराने से जरा भी पीछे मत हटो। ज्यादातर लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो बस अपने ही बारे में सोच रहे होते हैं और बस अपनी ही तारीफ और अचीवमेंट्स खुद ही लोगों को बता रहे होते हैं, और सीक्रेटली उनके मन में बस यही आ रहा होता है कि सामने वाला उनकी तारीफ करने लगे, और सामने वाला खुद यही चाहता है कि आप उनके बारे में कुछ अच्छा बोलो। अगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इम्पोर्टेंट फील नहीं कराएगा तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत खाली खाली फील होगी, किसी को भी एक अच्छा कनेक्शन फील नहीं होगा। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप बातों बातों में सामने वाले में उसकी कोई भी एक ट्रू क्वालिटी को नोटिस करके उसे उसके लिए एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। ऑल्सो ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि लोगों को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है, तो बीच कॉन्वर्सेशन में उनका नाम लेके उनसे बात करो, यानी कुछ भी ऐसा करो जिससे उन्हें लगे कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उनकी बातें भी। यूज ऑफ एक्सप्रेशंस। ऑथर डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के सेकंड प्रिंसिपल में बताया है कि कैसे आप एक सिंपल तरीके से अपना एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन दे सकते हो, और वो है एक स्माइल। वो कहता है ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और एक स्माइल यही करती है। जब आप किसी के सामने पहली बार ही आते हो और एक अच्छी और जेन्युइन स्माइल करते हो तो ये आपको ऑटोमेटिकली एक लाइकेबल पर्सन बना देता है। स्माइल के साथ साथ और भी कई एक्सप्रेशंस हैं जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, आप खुद ही सोचो कि क्या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ बात करना पसंद करोगे जो एक सिंपल फेस रख के बस बोलता है, जस्ट लाइक ए रोबोट। वही दूसरा कोई पर्सन जो अपने वर्ड्स के साथ कई एक्सप्रेशंस भी शो कर रहा होता है, शायद आप उसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। इसीलिए अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को भी अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करने की प्रैक्टिस करो, ताकि सामने वाला पर्सन भी आपकी बातों में उतना ही इंटरेस्ट शो करे जितना आप कर रहे हो। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दोस्तों, आप लाइफ में अक्सर खुद को ऐसे एनवायरनमेंट या लोगों के बीच पाओगे जहां आप कम्युनिकेट करने के लिए अपनी लोकल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, वहां आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना होता है। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग इंग्लिश सिर्फ एक ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक स्किल की तरह है जिसको आप अपने एडवांटेज के लिए सही समय पे खुद को सही से एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी कोई मीटिंग है, आपको किसी से मिलना है, या आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जहां आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो अगर आप भी बजाय सिर्फ वहां चुप रहने के इंग्लिश में कम्युनिकेट करके अपने थॉट्स और ओपिनियन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे तो वहां आपको एक एडवांटेज भी मिलेगा और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे किसी से भी कम्युनिकेट करने में। देखो, ये तो हम में से अधिकतर लोगों को पता है कि आज के टाइम में इंग्लिश में कम्युनिकेट करना कितना जरूरी है, लेकिन अब सवाल आता है कि इसे सीखे कैसे।
तो डोंट वरी, इसके लिए हमारे पास आप सभी के लिए एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है इंगवार्ता, जहां आप कई इंग्लिश स्पीकिंग एक्सपर्ट से रियल टाइम में बात कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डर के, जहां कोई आपको जज नहीं करेगा, बल्कि एक्सपर्ट्स आपकी मिस्टेक्स को ठीक करके आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप इंग्लिश लैंग्वेज अपनी मदर टंग की तरह सीख पाएंगे। दोस्तों, इंगवार्ता ऐप के जरिए आप कॉल करके किसी भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, जहां आपकी प्राइवेसी का खास ध्यान रखा जाता है, और किसी वजह से अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आप मोबाइल से कॉल करके भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं विद सेम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इतना ही नहीं, बल्कि आपकी सभी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, ताकि आप उन रिकॉर्डिंग से दोबारा अपनी प्रैक्टिस को रिवाइज कर सकें। इंगवार्ता आपको रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन के लिए तैयार करता है, वो भी वेरीफाइड एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में मदद करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इंगवार्ता ऐप जरूर डाउनलोड करें और अपने फर्स्ट परचेज पे कूपन कोड रिवायर्स का जरूर इस्तेमाल करें एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट के लिए। कॉन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। दोस्तों, मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपसे आकर कहता है, मैं अभी मुंबई में रहता हूँ, पर मैं हमेशा से दिल्ली रहना चाहता था, क्योंकि मुझे वहाँ का बदलता हुआ मौसम बहुत पसंद है और ज्यादा बारिश से मुझे नफरत है। दोस्तों, कॉन्वर्सेशनल थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट उसे कहते हैं, जहाँ आप किसी की कही एक बात से कई सारे अलग अलग टॉपिक्स निकालना सीख जाते हो। जैसे यहाँ आप उसकी इस बात से मुंबई, दिल्ली, इन शहरों के बारे में बात कर सकते हो, फिर मौसम के बारे में बात कर सकते हो, या उसके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बात कर सकते हो। यानी उसकी एक बात से आपने बात को आगे बढ़ाने के इतने सारे टॉपिक्स ढूंढ लिए। इसी तरह, जब आप किसी से बात करते हुए आप खुद को किसी ऐसी सिचुएशन में पाओ, जहां आपको ये ना पता हो कि आगे किस बारे में बात करनी है, तो उसकी बातों पर ध्यान दो और उसके वर्ड्स को सुनकर ही नए टॉपिक्स ढूंढने की कोशिश करो। सीक्रेटली सेल योरसेल्फ। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान अपने लाइफ टाइम में सिर्फ चार तरह से ही अपने आप को प्रेजेंट करता है। हम क्या करते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या बोलते हैं और हम कैसे बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो बातों बातों में अपने आप को सेल करना सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसे करने के लिए आपको सेम टेक्निक यूज करनी है जैसी एक कस्टमर को कोई चीज सेल करने के लिए यूज करी जाती है। इसके लिए आपको सामने वाले की बातों से और उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करके आपको ये देखना है कि सामने वाले के इंटरेस्ट क्या है, उन्हें क्या पसंद है, और उस हिसाब से ही अपने आप को प्रेजेंट करो। बातों के बीच में कोई ऐसी बात कहो जो सामने वाले के इंटरेस्ट को ट्रिगर करती हो और आपके कोई टैलेंट या एबिलिटी को सेल करता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे तो क्रिकेट बहुत पसंद है, और अगर आपको भी क्रिकेट पसंद है तो आप उससे क्रिकेट से रिलेटेड ही बातें कर सकते हो, और अगर आपको वो सेम चीज नहीं पसंद या आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप उस चीज के बारे में उनसे और क्वेश्चंस कर सकते हो और उनके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट भी शो करके कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। टेक पॉजेस इन बिटवीन ऑफ ए कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, अपनी बात को ठहर ठहर के धीरे धीरे बोलने से आपकी बात में वजन पैदा हो जाता है और आप बहुत ही अट्रैक्टिव साउंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से पूछो कि तुम संडे को क्या करते हो, और वो कुछ ऐसे कहे, मैं सुबह पार्क में वॉक करना चाहता हूँ, फिर मैं नाश्ता वगैरह करता हूँ, फिर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, फिर मैं वही खाना पीना खा के सो जाता हूँ। अब इसकी जगह कोई ऐसे बोले, मैं सुबह पार्क जाता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, फिर मैं अपना डिनर करके सो जाता हूँ। दोस्तों, अब आप बताओ, आपको कौन सी बात ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, सेकंड वाली, राइट? इसीलिए बातों के बीच में अननेसेसरी फिलर हटा के उन्हें पॉजेस के साथ रिप्लेस कर दो। इससे आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाएगी और लोग आपके बोलने के तरीके से इम्प्रेस होने लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।